हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टॉक के बारे में जो मुझे एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के साथ लग रहा है और आने वाले टाइम में दोस्तों ऑयल इंडिया का स्टॉक मुझे बहुत बड़ी अपर साइड लेके आते हुए दिख रहा है। अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस बिहेवियर की स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके पहले अगर आप लोग देखोगे दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोगों को मैं एक वीडियो के ऊपर लेके जाऊंगा। 1 मंथ एगो मैंने 111 नंबर का एपिसोड आप जाके चेक कर सकते हो। एक्जैक्टली मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑयल इंडिया का स्टॉक प्रीफर कर दिया था और आप लोग देखोगे मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट टारगेट पॉइंट भी इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए थे। एक्जैक्टली 214 रुपए के आसपास मैंने स्टॉक आप लोगों को प्रीफर किया था और एक्जैक्टली देखोगे इसी तरीके से एनालिसिस मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। और अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो 214 से 235 मतलब एक महीने के अंदर देखोगे अगर टाइम पीरियड यहाँ पे वन मंथ एगो मैंने आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दिया था। और जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सभी टारगेट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, आप लोग जाके वीडियो चेक कर सकते हो किस तरीके से मैंने एनालाइज किया था प्रीवियसली। दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बताऊँ शॉर्ट्स के अंदर तो ये 7-8 पूरी 7 ईयर ट्रेंड लाइन है ये। इसका इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट किया था बहुत बड़ी कैंडल के साथ, उसके बाद में दोस्तों रिटेस्ट किया और फिर एक कंटिन्यू कंसोलिडेशन के अंदर था और अपने ट्रैपिंग लेवल के ऊपर ना ये स्टॉक मुझे कंटिन्यू सस्टेन होता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैंने स्टॉक को चूज किया था। 214 रुपए के आसपास मैंने स्टॉक आप लोगों को प्रीफर किया था। अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो 237 का इसने क्या किया है, हाई लगाया है और अभी भी स्टॉक अपने अपर साइड के मोमेंटम के लिए बेकरार है। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों अपने को कोई भी स्टॉक अपने ट्रैपिंग लेवल पे ही बाय करना है। अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो स्टॉक के अंदर लोग बाय कहां पे करेंगे, 250 के ऊपर, और अपना वहां पे फर्स्ट टारगेट मेट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देखोगे तो फर्स्ट टारगेट अपना 250 के लेवल के आसपास है, ये फर्स्ट टारगेट है अपना 250। तो आप जो लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा है ना तो 250 पे थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, रिमेनिंग क्वांटिटी 313 और उसके बाद में स्टॉक में भी 353 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। मैं इसको टारगेट को रिवाइज कर रहा हूँ, 353 तक भी स्टॉक जाते हुए आप लोगों को दिख सकता है। हमारी एंट्री पॉइंट हुई थी नियर बाय 200 और जो लोगों को ये बाय करना है ना दोस्तों तो थोड़ा सा पुलबैक मेरे हिसाब से इसको मिलना चाहिए नियर बाय 222 रुपए तक। अगर 222 रुपए तक आप लोगों को स्टॉक मिलता है ना तो आप लोग इसको आराम से बाय कर सकते हो 176 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है, हमने जहां पे से बाय किया था वहां से 15% का है, मतलब अभी अगर आप लोग बाय करोगे तो नियर बाय आप लोगों का 25% का स्टॉप लॉस मिलेगा। दोस्तों मैंने अपने हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टॉप लॉस छोटा करने के ऊपर ही फोकस किया है। आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरीके से आप लोगों को स्टॉप लॉस छोटे करने हैं और उसके पीछे का रीजन है दोस्तों ट्रैपिंग लेवल। आप लोगों को वही लेवल से बाय करना है जहां पे से आप लोगों को मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से अपने चैनल के ऊपर दोस्तों मैं कंटिन्यू कुछ वीडियोस लेके आता हूं, आप लोग देख देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो, मैं एनालिसिस आप लोगों को करके दिखाता हूं। उसके बाद में शॉर्ट्स के थ्रू अर्ली मॉर्निंग निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ओवरव्यू आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग प्रोवाइड कर देता हूं स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट टारगेट पॉइंट के साथ में। इसी तरीके के लाइव अपडेट के लिए और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।